कैनेडियन मिनिस्टर मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक बिग अपडेट आ रही है और उस अपडेट आने के बाद मार्केट में जे कह सकते हैं कि धमाका तरथली सी मच चुकी है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स क्लाइंट्स के माइंड के डाउट्स हैं, सो काफ़ी कॉलिंग आ रही है कि अब क्या होने वाला है, क्या करें क्या ना करें। सो इस वीडियो में वीज़ा प्रोसेसिंग क्या है, कैसे रहने वाली है, वीज़ा ऑफिसर जाने के बाद या डिप्लोमेटिक जाने के बाद जो डिप्लोमेट थे बायोमेट्रिक होंगे या नहीं होंगे, पासपोर्ट स्टैंपिंग कितने दिन में होगी, सो ऑलमोस्ट आपके जो भी कंसर्न्स हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले। सो मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वीज़ा गुरु गुरप्रीत को वहाँ पे फॉलो जरूर करें। सो फ्रेंड्स कम टू द पॉइंट, सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा प्रोसेसिंग की। सो जैसे ही डिप्लोमेटिक जो इशू है वो क्रिएट हुआ तो कैनेडा कहीं ना कहीं बैकफुट पे गया, लेकिन इंडिया ने अपना एक अग्रेसिव रुख करते हुए उनके जो डिप्लोमेट थे वो इसको 41 को जाने के लिए बोल दिया। लेकिन अभी कैनेडा ने भी स्टेप क्या लिया है कि जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो भी कम कर दिए हैं, मतलब पहले आई थिंक 27 थे, अभी 4-5 ही रह गए हैं इधर। सो इसका आपके वीज़ा पे क्या असर पड़ेगा, अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया हुआ, स्टडी किया हुआ, पीयर स्पाउस कोई भी कैटेगरी के वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ, तो आपके वीज़े पे क्या असर पड़ने वाला है। सो फ्रेंड्स पहले हम बात करेंगे वीज़ा प्रोसेसिंग की। सो अगर देखा जाए जो स्टूडेंट वीज़ा है ये इशू होता है फ्रेंड्स कैनेडा से जो CPC सेंटर होते हैं जहाँ से रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं वीज़ा के। सो आपने देखा होगा जब आपका वीज़ा इशू होता है तो बिल्कुल कॉर्नर पे CPC सेंटर का नाम लिखा जाता है, वहाँ पे जहाँ तो एडमंटन होता है, ओटवा होता है या न्यू दिल्ली होता है। सो जो स्टूडेंट वीज़ा है वो कैनेडा से ऑपरेट होता है आउटसाइड ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट वीज़ा को कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, पहले ये बात आप अपने माइंड में रख के चलो। उसके बाद किन एप्लीकेंट्स को, किन कैटेगरीज को प्रॉब्लम या प्रोसेसिंग स्लो होगी, जो विजिटर वीज़ा है या स्पाउस वीज़ा है ये मोस्टली न्यू दिल्ली से ही जो अनाउंस होते हैं। सो उसमें क्या होगा कि आपका वीज़ा जो ऐसे नहीं कि आपका वीज़ा ही नहीं आएगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ऐसे भी किया जा सकता है कि जो स्पाउस और टूरिस्ट वीज़ा है वो भी एडमंटन और ओटवा पे शिफ्ट कर दिए जाएं। सो कैनेडा ने थोड़ी कह सकते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए ये स्टेप लिया है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन फ्रेंड्स जरूर होता है। सो उसके बाद बायोमेट्रिक की बात करते हैं। जो कनाडा का जो वैक्स सेंटर है VFS वो बंद हो चुका है। सो आपको किसी और सेंटर से, बहुत से सेंटर हैं इंडिया में जहां से आपको आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, तो बायोमेट्रिक भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट स्टैंपिंग को पहले 4-5 दिन लगते थे, वो लास्ट मंथ फ्रेंड्स 15-20 दिन लग रहे हैं हमारे पासपोर्ट को भी। सो पासपोर्ट स्टैंपिंग जरूर स्लो हुई है और होगी आने वाले टाइम में, हो सकता है 1 महीना भी लगे। सो अगर आपने टिकट करवानी है, ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आपका पासपोर्ट आपके हाथ में हो, तभी आप अपनी टिकट करवाएं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पोस्टपोन भी बहुत सी जो फ्लाइट्स हैं उनकी टिकट्स पोस्टपोन नहीं हो रही है। सो फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान में रख के चलिए। सो उसके बाद हम बात करेंगे जो किस पे असर पड़ने वाला है ज़्यादा। सो अगर देखा जाए तो जो न्यू दिल्ली में है जो विजिटर वीज़ा इशू करते हैं या स्पाउस वीज़ा इशू कर, उसके अलावा वो क्वेरीज भी हैंडल करते हैं, जैसे आपने वेब फॉर्म रेज कर दिया। सो उसके लिए कहीं ना कहीं डिले देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स मार्क मिलर जो मिनिस्टर है इमिग्रेशन, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि मतलब हमारे जो अप्रिशिएट किया है इंडियंस को कि हमारे जो बहुत ही ओल्ड लिंक्स हैं इनके साथ, सो वो कहीं नहीं चाहते कि हमारा रिलेशन ख़राब हो। सो स्लो जरूर हुआ है फ्रेंड्स प्रोसेस, लेकिन दिसंबर जनवरी तक हम देखेंगे कि सब नॉर्मल हो जाएगा। सो किसी भी तरह का पैनिक होने की ज़रूरत आपको नहीं है, वीज़ा अप्लाई करें जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मान के चलिए कि अगर पहले आपका वीज़ा 15 दिन में आना था अब 25 दिन में आएगा। सो फ्रेंड्स ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है।
सो और किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे वीज़ाज आते हैं, मैं इंस्टाग्राम वीज़ा गुरु गुरप्रीत पे आपको दिखाता रहता हूँ। 7 टाइम रिफ्यूजल का वीज़ा आया 3-4 दिन पहले। सो कैनेडा हमारे लिए एक वरदान है जिन्होंने हमारा यूथ संभाला है और हमारे जो बच्चे हैं उनके सपने साकार हुए हैं। तो मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि ऐसे ही कैनेडा का जो इंडिया का डिस्प्यूट है वो कम हो और वीज़ा चलता रहे ताकि हम सब खुश रहें। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको लगता है कि जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।